तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको बेंजो को रिपेयर कैसे करना है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे बेंजो में एक प्रॉब्लम आ गया जिसको मैं रिपेयर कर रहा था, तो मैं सोचा चलो वीडियो बना के दिखा दूं ताकि आपके बेंजो में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप खुद से अपने घर पे ही उसको रिपेयर कर सके। तो इसके लिए चलिए ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए, इसमें जो प्रॉब्लम आया है उसको पहले देख ले, ऐसा प्रॉब्लम आपके भी बेंजो में आ सकता है, इसको कैसे ठीक करना है इसके बारे में बताते हैं। पहले तो ये बेंजो बहुत ठीक बज रहा है, आप देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये वाला जो बटन हमारा नीचे गया ये ऊपर आ ही नहीं रहा, इसके वजह से यही वाला जो बटन है वो तार को दबा के रख दे, इधर का कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है। इसको अगर हम ऐसे फिर से वापस उठा देते हैं तो यहाँ से फिर से हमारा जो बेंजो पे काम करना चालू कर देगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये वाला जो हमारा बोर्ड है इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां से ये देखिए आपके में कुछ अलग तरह का नट दिया होगा, तो हम पहले यहां से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इसको पहले आप निकाल लीजिए इसको इस तरह से करके, तो इसको हम यहां से निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको कैसे फिक्स करना है प्रॉब्लम को इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए हमारा जो बोर्ड है इसको हम निकाल रहे हैं, और यहाँ पे आपके बोर्ड में जिस तरह का नट दिया हुआ है वैसे करके आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको रिपेयर करने के लिए पहले ही निकाल लिया था, बाकी मैं सोचा कि चलो इस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं, ये मेरा बहुत पुराना बेंजो है जिसपे मैंने बेंजो बजाना सीखा था। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं ये जो बटन है ये कौन सा वाला बटन है जो काम नहीं कर रहा था, इसको पहले देख लीजिए। तो ये वाला जो बटन है हमारा जो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इसकी वजह से है क्योंकि इसका स्प्रिंग जो है वो खराब हो चुका है, या फिर स्प्रिंग जो है वो छोटा पड़ रहा है, जैसे इसका प्रॉब्लम है। इसके लिए हमें जो सामानों का जरूरत है वो सामान यहाँ पे आपको लगेगा, एक टेस्टर चाहिए जिससे आप इसको निकाल सके, और एक पेंचिस चाहिए जिससे हम बटन को निकाल सके, और एक हमें ऐसा कुछ तार चाहिए पतला सा, ठीक है। तो मैं इसको यूज कर रहा हूं, आप भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, थीके? या फिर पतला वाला तार अगर आपके पास है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अब इन चीजों का हमें जरूरत कैसे पड़ेगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको, ये जो बटन है इसको हम वापस निकालेंगे। तो इसको निकालने का तरीका क्या है देखिए, ये जो बटन है इसको निकालने का तरीका ये है, और देखिए इसमें जो स्प्रिंग लगा रहता है वो फट से बाहर निकल के कहीं गुम हो जाएगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये जो स्प्रिंग का जो गहरा सा जो दिख रहा है इसे ऐसे हम बंद कर देंगे, ठीक है, अपने अंगूठे से ऐसे बंद कर दीजिए, और इसको नीचे की तरफ ऐसे करके जोर से दबाइए, नीचे की तरफ ऐसे जोर से दबाइए और इसको खींचिए। अगर ये नहीं निकल रहा तो इसको ऐसे पेंचिस से पकड़ के हल्का से नीचे दबाते हुए ऐसे इसको खींचना है जिससे ये बाहर आ जाएगा आसानी से, ठीक है। इसके लिए पूरा आपको ये तार को निकालना नहीं पड़ता है, बटन जो है अलग अलग निकल जाता है। अब हम इसके स्प्रिंग को यहां से ऐसे करके किसी भी तार से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग है ये काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, तो इसके जगह में हमें एक दूसरा स्प्रिंग चाहिए। तो आपको ये स्प्रिंग कोई भी इलेक्ट्रिक दुकान में मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक दुकान में, तो वहां से स्प्रिंग ला लीजिए, और जो वाले बटन को आपने निकाल के रखा है उसी वाले खांचा में इस ये स्प्रिंग को हम ऐसे डाल देंगे, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल हमें करना है बटन को वापस से लगाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से हम ऐसे बटन को हम इधर से डाल देंगे और इसको हम इधर से ऐसे प्रेस करेंगे, ठीक है। ये वाला जो हमारा तार पतला सा रहेगा वो ऐसे ही काम करेगा, इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे इधर से और इसको हम इधर से ऐसे डालेंगे, और ये थोड़ा सा आपको इसमें परेशानी हो सकता है लगाने के लिए, बाकी आप ट्राई करेंगे तो आपसे लग जाएगा। अब हम इसको ऐसे जोर से, ये देखिए अब हमारा जो है वो बटन जो है वो अपने सांचे पे पूरा तरह से बैठ चुका है, और ये अब वापस से फिर से ठीक से चलने लगा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये चीज जो है फिक्स कर लिया है, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब इसको हम बेंजो पे लगा के देखते हैं और देखते हैं कि ये बटन ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि बेंजो पे अगर आपके प्रॉब्लम आता है किसी बटन में तो उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। अब यहां पे जल्दी से हम इन सारे जो इसके सामान को निकाले थे इसमें हम फिट कर देते हैं, ताकि हम आपको इसमें दिखा सके कि वो जो प्रॉब्लम था वो फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है।
तो इसका हम थोड़ा टाइट कर लेते हैं ताकि इधर उधर हिलने ना पाए और ठीक से हम इसमें आपको दिखा सके कि वो प्रॉब्लम ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम दो ही नट को लगा देंगे यहाँ पे। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके बेंजो में है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हो सके तो मैं अपने बेंजो पे ही वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपके बेंजो में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि आपका प्रॉब्लम जो है आप घर में ही ठीक कर सके। तो ये जो बेंजो है ये इसमें कई सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसको आप घर में ही ठीक कर सकते हैं अगर आपको पता चल जाए तो। ठीक है, तो इसको हमने टाइट कर दिया है और इधर का भी एक नट हम लगा देते हैं ताकि ये हिलने ना पाए और ठीक से हम आपको बजा के दिखा पाए कि ये कैसे बज रहा है। तो ये जो मेरा बेंजो है इसमें थोड़ा अजीब तरह से दिया गया इसको निकालने लगाने का, बाकी आपके बेंजो में अगर सिंपल तरीके से दिया होगा तो आप बहुत ही आसानी से इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, जैसे तैसे करके हम इसको लगा लेंगे और हम आपको अभी बजा के दिखाएंगे कि ये बेंजो अभी ठीक से बजेगा या नहीं बजेगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ हो जाएगा कि हमारा बेंजो का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हमारा नट जो है वो लग चुका है, अब हम देखते हैं ये ठीक से बज रहा है या नहीं बज रहा है। तो चलिए, हमने दो ही नट यहाँ पे टाइट कर दिए हैं जिससे ये हिलना तो बंद हो गया है, अब देखते हैं इसमें जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं। तो हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो ये वाले बटन में आ रहा था। ठीक है, यहाँ पास के बटन में आ रहा था जो कि अब पूरे तरह से ठीक हो चुका है। तो ये जो प्रॉब्लम था वो स्प्रिंग का प्रॉब्लम था। तो स्प्रिंग का प्रॉब्लम अगर आपको आता है, आपका बटन जो है नीचे जाने के बाद अगर ऊपर नहीं जाता है या बहुत ढीला हो चुका है जैसे तार में टच कर रहा है, तो उसको आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं लगता, ये घरेलू सामान से ही आप उसको ठीक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से करके आप अपने बेंजो को फिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारा बेंजो जो है ठीक हो चुका है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके बेंजो में, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना ताकि उसका सलूशन मैं आपको बता सकूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।